अच्छी बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए भी काफी मोटिवेटिंग है कि हम और अच्छा प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को और अच्छे बेहतर तरीके से हम इसको कर सके और जनता के साथ में मिल करके कानून व्यवस्था को बनाए रखें। और साथ ही साथ आज जन सहभागिता शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें कि जनता ने भी प्रतापगढ़ पुलिस की इस उपलब्धि को काफ़ी सराहा है और उनकी भी काफ़ी शुभकामनाएं हमें इसमें मिली है। साथ ही उन सभी ने ये भी वादा किया है कि साथ में मिलकर के कानून व्यवस्था को इसी प्रकार से हम बेहतर तरीके से अच्छे समन्वय के साथ में करेंगे ताकि प्रतापगढ़ पुलिस और भी अच्छा कार्य कर सके। जनता में भी एक जो आम जन में विश्वास की आवश्यकता है तो हमारी पूरी कोशिश है हमारी पूरी प्रतापगढ़ पुलिस की टीम की कि आम जन में एक विश्वास हो और जो अपराधी तत्व है उनमें एक डर हो। प्रतापगढ़ पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य भी इस संबंध में किए हैं चाहे वो जन सहभागिता शिविर के रूप में हो पुलिस मित्र को अपने साथ में जोड़ने के रूप में हो या कम्युनिटी पुलिसिंग के सीएलजी मीटिंग के तौर पर हो और साथ ही साथ जो भी आपराधिक तत्व थे जो भी घटनाएं अभी रिसेंटली हुई चाहे मर्डर की हुई हो तो उसमें जल्द से जल्द पूरी प्रतापगढ़ पुलिस ने एक टीम की तरह मिलकर के काम किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो इसके लिए भी पूरी जनता ने मिलकर प्रतापगढ़ पुलिस की पुलिस को आज धन्यवाद अपना व्यक्त किया आभार व्यक्त किया और हम भी जनता की काफ़ी आभारी है कि वो हर समय हमें सपोर्ट करते हैं और जो भी इश्यूज और जो भी मुद्दे रहते हैं वो इसमें अपना टाइम निकाल करके आते हैं और जितनी भी सारी समस्याएं होती है वो हमें बताई जाती है जिससे कि हम उसका जल्द से जल्द निस्तारण कर सकें। परिचय हो जाए कि कईयों से तो जैसे पहले मैं मिल चुकी हूँ परिवार में भी सुना है वैसे भी कई बार परिचित हूँ वैसे भी मिल चुके हैं लेकिन हर किसी से मुलाकात हो नहीं मुलाकात हो जाती है बट आम तौर पे जो कानून व्यवस्था है और जो अपराध है या जो पुलिस के साथ समन्वय है वो जहाँ तक आप लोग आए हो आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला है इसके लिए तो जाहिर सी बात है कार्य भी हो सके और पुलिस के साथ मिलकर के और भी अच्छे कार्य हो सके और अच्छे नेक कार्य आपके